अनस कंसर्ट में आपका स्वागत है। तो आज से रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि किसी भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखें जिससे कि आपका सभी चैप्टर की क्रमवार जानकारी मिल सके। तो आज इसी क्रम में हम जो कि स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का जो कि सीरीज है ये। इसमें 1 से 60 तक का क्वेश्चन रहेगा। इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। आप इसको भली भांति देखें, इससे आपकी तैयारी को जो है कि मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, तो चलिए। तो पहला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनिए। इसमें क्या होता है कि चार जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4 चार ऑप्शन दिया रहता है। इसमें से 3 एक ग्रुप बनाता है और 1 जो है किससे अलग रहता है। तो आपको 1 अलग को चुनना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको करने का तरीका कैसा होता है। चलिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अब भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ये सभी प्राकृतिक आपदा है ना। सुनामी हो गया, ज्वालामुखी, भूकंप, ये विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है कि क्या, ये क्या है, ये है कि लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण से बढ़ रहा है ये। तो इसीलिए आंसर इसमें से सबसे अलग ये लग रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा है मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और चंद्रमा। तो देखिए मंगल ग्रह है, यूरेनस ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, जो कि अर्थ का उपग्रह है। किसका है ये, पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसीलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बकरा, बिल्ली, मुर्गी, गाय। देखिए सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये। ठीक है, बकरा, बिल्ली, मुर्गी और गाय। तो इसमें से आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए बकरा, बिल्ली, मुर्गी और गाय, ऐसे भी आप छांट सकते हैं कि इसका सभी के 4 पैर होते हैं लेकिन मुर्गी के 2 पैर ही होते हैं। और एक तरीका ये भी है कि ये सभी जो है कि जानवर है और ये पक्षी है। तो आप 3 नंबर, दोनों दृष्टिकोण से 3 नंबर ही आंसर हो जाएगा मुर्गी आपका। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। तो देखिए कि तुंगभद्रा जो है इसमें से जिम कार्बेट क्या है, एक नेशनल पार्क है ना जी। जिम कार्बेट क्या है, एक नेशनल पार्क है। अच्छा, उसके बाद रणथंभौर, रणथंभौर भी क्या है, रणथंभौर भी एक नेशनल पार्क, बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क है, लेकिन तुंगभद्रा एक क्या है, ये एक क्या है, उद्विलाव संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, उद्विलाव संरक्षण रिजर्व है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, तुंगभद्रा हो जाएगा। 5 नंबर चलते हैं। लोहा, तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम। इसमें से देखिए लोहा, तांबा, इस्पात और एल्यूमिनियम। तो इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। क्यों, इस्पात जो है लोहा Fe तथा कार्बन मिल के बनता है, है ना। इस्पात जो बनता है लोहा और कार्बन मिल के बनता है, बाकी सभी अन्य, ये लोहा क्या है, ये धातु है, ये भी धातु है आपका, ये भी धातु है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर, समझ में आ रही है सबको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि सवाल को एग्जाम में जल्दी से कैसे करते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है। टोनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल, सर इसाक न्यूटन, जेम्स प्रोस्कॉट जूल। देखिए इसमें से आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, ये सभी जो है ना वैज्ञानिक लग रहे हैं, किसी न किसी चीज का खोज किया है। लेकिन टोनी ब्लेयर क्या है, टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के ना प्रधानमंत्री रह चुके हैं। टोनी ब्लेयर जो है ब्रिटेन के राजनेता है जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये जो है ना 1997 से 2000 के बीच में ये प्रधानमंत्री थे, टोनी ब्लेयर, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर मेरा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। यहाँ देखिए
गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। भेड़िया जो है कि मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, लेकिन गेंडा क्या है, शाकाहारी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गेंडा। देखिए यूपीएससीएल में पूछा है, ठीक है। चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में है, ये आपको दिया रहेगा, इसको आपको नहीं देखना है। देखना है कि अभी संपत्ति यहाँ चार ऑप्शन, ये जो ऑप्शन नीचे है इसमें से आपको देखना है कि आंसर कौन सा होगा। देखिए IDBI, सेबी, यूको, HSBC, ये तो सभी बैंक है जी। IDBI बैंक है, यूको बैंक है, HSBC बैंक है। ये क्या है, ये क्या है बोलिए। सेबी क्या है, एक प्रतिभूति और विनिमय का नियामक बोर्ड है ये, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोर्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से असंगत की पहचान कीजिए, इसमें से देखिए। ये आपको हमने कहा क्या, इसको देखना नहीं है आपको, यहाँ देखना है। सलाद, पत्ता, कीवी, नाशपाती, अनार, ये तो ईजी हो गया, ये सभी फ्रूट हैं, ये तीनों फ्रूट हैं। ये क्या है, ये सलाद, सलाद पत्ता क्या है, ये जो है कि पत्ती पत्ता वाला चीज होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, सलाद पत्ता हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करें। चलिए यहाँ देखिए, पहचानना, अनदेखी, आँख छिपाना, अवहेलना। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें से आपको सिनोनेम भी दिया जा सकता है और विपरीतार्थक सिनोनेम रहेगा और उस अपोजिट वर्ड भी दिया रहता है। तो यहाँ पहचान, यहाँ देखिए कि इस वर्ड में से क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए पहचानना, यहाँ पर अनदेखी, अनदेखी मतलब अनसुना कर दिया, आँख छिपा लिया उससे, या अवहेलना कर दिया, जिसको अनदेखी करते तो अवहेलना करते हैं, यानी ये सभी एक तरह का एक मीनिंग दे रहा है ना, आँख छिपाना, अनदेखी, अवहेलना, पहचानना, ये एक अलग सा वर्ड हो जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, पहचानना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस सूची में से चयन कीजिए, जोधपुर, छतरपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर। देखिए जोधपुर राजस्थान में है, छतरपुर मध्य प्रदेश में है, चित्तौड़गढ़ ये भी राजस्थान में है, पुष्कर ये भी आपका राजस्थान में है। तो यानी छतरपुर हो जाएगा आपका, क्योंकि MP का शहर है ये, ठीक है। चलिए आगे, इसमें आपको सब जानकारी रखना है, GK की भी जानकारी आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसको सही सही मार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम चतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी के चार भुजाएं हैं, इनके तीन भुजाएं हैं। आंसर क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम शब्द की पहचान करें। अब देखिए त्रिभुज, गोला, वृत्त, षटकोण। देखिए ये त्रिभुज टू डी है, दो डायमेंशन से बनता है, आप लोग पढ़े हैं इधर, मैंने मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ अभी। तीन देखिए वृत्त, चार देखिए षटकोण, ये सभी जो है ना टू डी है, ये टू डी, ये टू डी, ये टू डी, लेकिन गोला क्या है, 3D है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोला। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नारंगी, भूरा, हरा, नीला। देखिए अब प्राइमरी कलर में क्या आता है, RGB, जिससे कि हम लोग सातों कलर बना सकते हैं, इसमें भूरा का जरूरत नहीं पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूरा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से है, इसमें चुनना है आपको माध्य, प्रसरण, बहुलक, अपवर्तन। देखिए माध्य, मैथमेटिक्स जब बनाते हैं तो माध्य निकालने के लिए बोला जाता है, प्रसरण निकालने के लिए बोला जाता है, बहुलक निकालने के लिए बोला जाता है, अपवर्तन तो फिजिक्स में आता है जी, जिसका कि म्यू से डिनोट करते हैं हम, है ना। तो अपवर्तन हो जाएगा क्या मेरा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। अब देखिए चेन्नई, कोचिन, कानपुर, पूना। तो इसमें से थोड़ा सोचने वाली बात है कि चेन्नई है, कोचिन है, कानपुर है और चार पूना है। सोचें इसके बारे में तो क्या होगा। देखिए कोचिन का नाम बदलकर ना कोच्ची कर दिया गया है अभी, कानपुर का नाम बदल के कानपुर कर दिया गया, पूना का नाम बदल के पुणे कर दिया, लेकिन चेन्नई का नाम बदला है, चेन्नई का चेन्नई ही है, ये बदला हुआ नाम है ना। तो चलिए अभी चेन्नई का नाम चेन्नई, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट है किला, छोटा मकान, कुत्ता घर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए जी, किला बड़ा होता है, छोटा मकान भी जो होता है बड़े बड़े होता है, इसमें आदमी रह सकता है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें ये भी इसमें आदमी रह सकता है, लेकिन कुत्ता का घर तो छोटा होता है जी, इसमें क्या रह पाएगा आदमी? तो यही हो जाएगा मेरा क्या आंसर हो जाएगा। आपको डिफरेंट चुनना है, तीन मिलान देके एक अलग करना उससे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, अब बताएं क्या है इसमें। देखिए ये सभी जो है ना किसी विज्ञान से संबंधित है, लेकिन भूगोल जो है ये भूगोल ये जो है कि विज्ञान से संबंधित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूगोल हो जाएगा। देख रहे हैं UPSSC में पूछा है 2019 में, ये करेंट क्वेश्चन सभी आया हुआ एग्जाम में, ये बहुत टफ सब प्रश्न लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच शब्द दिए गए हैं जिनमें से चार किसी तरह से एक तरह जैसे हैं। चलिए इतना उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि जानते हैं चारों में से हम क्लासिफिकेशन लिए हैं। देखिए क्या है, पहला बेरा, हिमकुटी, केमो, डोमी। पहले तो वर्ड जानिए कि क्या क्या है ना। देखिए केनी, डोगी, बेरा तथा नौका सभी एक प्रकार से नाव ही है जी, है ना। क्या क्या? केनी, डोगी, बेरा, नौका, सबको नाव कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो इस यानी बेरा, केमू, डोमी, बेरा, ये सभी नाव ही है। लेकिन हिम कुटी जानते हैं क्या है? जो बर्फ का इग्लू टाइप से बनाया जाता है, उसको हिम का कुटिया जिसमें रहने के लिए, है ना, उसको कहते हैं हिम कुटी। तो ये अलग हो गया सबसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच शब्द दिए गए हैं जिनमें से चार किसी तरह से एक जैसे हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, आरोही निक्षेप, निलंबी निक्षेप, लेपीज, खड़ी चट्टाने, यही वर्ड दे के आपको ना फंसा देगा वहाँ, इसीलिए ऐसा ऐसा सवाल लिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है कि कहता आरोही निक्षेप। आरोही निक्षेप देखिए कि आरोही निक्षेप, आरोही निक्षेप, निलंबी निक्षेप और लेपिज, ये जो होता है ना कि भूमिगत जो जल हुआ करता है, जो जमीन के नीचे जो जल हुआ करता है भूमिगत जल, उसी के द्वारा उत्पन्न जो है ना स्थलाकृति हुआ करता है, स्थल का एक आकृति बनाता है। लेकिन ये खड़ी चट्टाने जो है, खड़ी चट्टान, खड़ा चट्टान, इसमें से पानी पर के जो अवक्षेप होके जो माटी सब निकल गया है, वो जो खड़ा होके बनता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? खड़ी चट्टान। तो आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी चट्टाने आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 21 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अर्धस्वरक, अर्धवृत्त, सेमिनार, संगोष्ठी, अर्धविराम। तो देखिए 21 नंबर का आंसर देखिए यहाँ पर, इसमें 20 नंबर का यहाँ 1 नंबर यहाँ पर दिया गया था, तो इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा 21 नंबर में? अब अलग से चुनिए क्या होगा। देखिए सेमिनार जो होता है, अर्धस्वरक जैसे लेते हैं, अर्धस्वरक क्या है? अर्धस्वरक क्या है? जैसे विचार, जैसे कि अर्धवृत्त ले लीजिए, किसी का अर्धवृत्त हुआ, अर्धविराम ले लीजिए, अधिस्वर, तो इस सभी में आधा आधा सब में लगा हुआ है। देखिए तो आप अर्ध 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 सब में आधा लगा हुआ है, लेकिन सेमिनार संगोष्ठी जो हुआ करता है, यहाँ तो पूरा का पूरा आदमी बैठ के सुनता है, सभा जी सुनता है ना, इसीलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सेमिनार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वर्ड पर भी ध्यान देंगे क्या कह रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह, तारा। देखिए ब्रह्मांड में ही क्या है? पृथ्वी भी है, उपग्रह भी है, तारा भी है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ब्रह्मांड। चलिए उदबिलाव, गिनी पिग, नेवला, चूहा। देखिए उदबिलाव, गिनी पिग, नेवला, चूहा। देखिए इसमें से क्या है जी कि उदबिलाव, गिनी पिग और चूहा सभी जो है ना शाकाहारी है, नेवला लेकिन मांसाहारी है जी। आंसर क्या हो जाएगा? नेवला हो जाएगा आंसर आपका। अब यहाँ चलेंगे आगे। 24 नंबर का सवाल है, कॉर्टेस, लेम्पिरा, डॉलर, टाका। ये कॉर्टेस, लेम्पिरा, डॉलर, टाका, तो इसमें से देखिए क्या होगा आंसर? आप देखिए वर्ड पकड़ के, यही वर्ड से आपको क्या करता है, ये फंसाता है।
ठीक है। तो देखिए, लेम्पिरा हो गया, डॉलर हो गया, टाका हो गया, ये सभी क्या है? करेंसी है। लेकिन कोटेस किसी की करेंसी नहीं है जी। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? कोटेस हो जाएगा। सभी मुद्राएं हैं और कोटेस मुद्राएं नहीं है। तो आपको जीके भी देखनी चाहिए, देख रहे हैं ना, इसमें जीके का भी टच करके रखा है। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? जो दूर दृष्टि दोष हुआ करता है। ट्रेकोमा, ये भी आँख का दृष्टि दोष। मोतियाबिंद, ये भी आँख का दृष्टि। कोशिका पर्दा, ये तो कुछ अलग लग रहा है जी, नहीं लग रहा है? यही कुछ अलग लग रहा है। यही कोशिका पर्दा जो आँख की बीमारी नहीं है, ये सभी आँख की बीमारी है, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं। टांग, कान, हृदय, हाथ। टांग, कान, हृदय, हाथ। अब देखिए, टांग, कान, हृदय, हाथ में कौन सा होगा जी? देखिए तो टांग दो होता है, कान दो होता है, हृदय हाथ भी दो होता है। हृदय क्या होता है? दिल एक ही होता है जी, ठीक है। आंसर होगा क्या? 3। समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, ये सभी चार 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 भुजा बनता है। शंकु बनता है क्या चार से? आंसर हो गया क्या? 2, शंकु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयना, रावत भाटा, उकाई, भाखरा नांगल। अब इसमें देखिए परियोजना के बारे, परियोजना और जो है कि ये सब अगर पता नहीं है तो आपसे सवाल ये नहीं बनेगा। 28 नंबर का सवाल है ये, है ना। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोयना क्या है? परियोजना है। रावत भाटा परियोजना नहीं है, ये उकाई परियोजना है, भाखरा नंगल ये भी परियोजना है। रावत भाटा क्या है? रावत भाटा के साथ साथ हम किसको किसको जोड़ सकते हैं? तारापुर, हम तारापुर को भी बोल सकते हैं, तारापुर। उसके बाद कुदानकुलम, कुदानकुलम, उनके बाद कैगा, कैगा जो महाराष्ट्र में है, कैगा, काकड़ापाड़ा, काकड़ापाड़ा, उसके बाद कल्पक्कम, कल्पक्कम, ये सब क्या है? ये सब जो है, और रावत भाटा तो है ही यहाँ पर, तो सब मिला के क्या है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? रावत भाटा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये अब आपका आ गया क्या? न्यूमेरिकल जैसा, इसमें अलग छाटिए क्या है। अब देखिए इसमें से क्या है कि ये 216 यहाँ पर है, 729 है, 1331 है, 324 है। अब बताइए कि इसका क्या होगा? अच्छा चलिए, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 हो जाता है, 7 का क्यूब करते हैं कितना होता है? नहीं होगा, 749 समझते हैं, नहीं होगा। 9 का कीजिए तो 729 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 का क्यूब 9 का क्यूब है, यहाँ 11 का क्यूब है जी। ये किसी का क्यूब है? ये 18 का स्क्वायर है जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 209, 231, 247, 250, इसमें क्या लगाएंगे अब आप? तो इसको देखते हैं तो कैसे देखेंगे? तो चलिए 9, 2, 11 नहीं कटेगा, 9 में 2 घटाएंगे कितना? 9, 2, 11 हो, जुड़ के 11 हो रहा है, 2, 1, 3, 3, 0, अरे 11 से कटेगा। देखिए 11 से पूरा पूरा कट गया, 11 से ये भी कट गया पूरा पूरा, 11 से इसको कटाइए तो कट 247, 11, 11 दुगुना 22, 3, ये भी कट गया 11 से, ये नहीं कटेगा तब। ये आंसर क्या हो जाएगा? 247 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 से सभी कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ठीक है, चेक ऐसे करना है आपको। चलिए आगे 31 देखते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 4 का क्यूब, तो चलिए इसको देखते हैं। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, यानी आंसर बी हो गया। सबका एक दूसरे का क्यूब है, देखिए यहाँ 3 का 27, 2 का 8, तो ये 4 का 32 नहीं है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्या कहते हैं? 1,2 है ना, 1,2। अच्छा इसको कैसे करेंगे? 12 ऐसे पकड़ के तो नहीं होगा, चलिए कुछ तो रिलेशन है, चलिए 2, 1, 3 ले लेते हैं। 24, 5, 29 होता है, 50, 7, 57 होता है, 35, 6, 5, 11, 41। लेकिन ये एक चीज़ हमको मिला यहाँ, 41 क्या है? अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, लेकिन ये अभाज्य संख्या है 49, 57 नहीं है। आंसर हो गया 3, 3 आंसर, ठीक है।
33 नंबर देखते हैं, 11 का स्क्वायर 121, एक कम करते हैं 120, इसका वैसा होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169, एक कम किया 167 था, ये मिल रहा है। 15 का स्क्वायर 225, 256 है, अच्छा इसको छोड़ते हैं फिलहाल। 18 का स्क्वायर 324, ये भी, ये तीनों एक ग्रुप बना रहा है लेकिन ये ग्रुप नहीं बना रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 3। क्यों, कि 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, एक कम करते 224 होना चाहिए, 256 है यहाँ पर। सबका देखते 11 का स्क्वायर माइनस एक, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में एक घटेगा तो 120 आएगा। उसी प्रकार इसका भी कीजिए, 13 का स्क्वायर 169, एक कम कीजिए 168 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी है। चलिए 34 नंबर का देखते हैं, चलिए 34 नंबर हम आते हैं जब, तो पाते हैं कि 32 15 है, इसमें क्या किया गया है जी, 32 15, 56 27, 74 38, 86 और 42, इसमें क्या किया गया थोड़ा देखेंगे। 15 दोगुना 30, 32 हो रहा है। चलिए फिलहाल करते हैं, 15 दोगुना 30, 32, 27 दोगुना 54, 54 दो 56, 38 दोगुना 8 दोगुना 16, 38 दोगुना 76, 76 में दो गया दो घट जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तो 27 दोगुना 54 दो जुटता था, अच्छा 42 दोगुना 84 दो 86, आंसर 3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 15 दोगुना 30 दो 32, 27 दोगुना 54 दो 56, 42 दोगुना 84 दो 86, 38 दोगुना कितना होगा, इसमें तो घटा दिया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखें, 10 बार देख लें, आपका क्लियर हो जाएगा ये, मैं इसीलिए ये शुरू सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 देखें, 35 नंबर में क्या है कि ऑप्शन नंबर 9 24 42, 8 17 31, 6 24 36, 11 23 45। चलिए कुछ देखते हैं यहाँ, 24 9 42 9 4 13 33 33 और 9 9 3 12, ठीक। चलिए इसको दोगुना करते हैं, 9 गुना 18 24 कितना होता है 42, सेटिस्फाई। तो दूसरा हम देखते हैं, 8 गुना 16 16 27 कितना होता है 8 गुना 16 27, 16 और 27 7 36 33 होता होना चाहिए जी, गलत हो गया ये, अच्छा इठो देखते हैं, तो 6 गुना 12 24 जोड़े तो 36 होता है, ठीक है। 11 गुना 22 22 और 23 जोड़े तो 2 दिन 5, ठीक है। ये सभी एक सीरीज बना रहा है लेकिन ये नहीं बना रहा है, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ये हो गया। कैसे मैंने किया, सब पहला को डबल करके इसके साथ जोड़िए, 9 दोगुना 18 18 प्लस 24 कीजिए कितना होगा 42, 6 दोगुना 12 12 24 36, 11 दोगुना 22 22 23 45, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 4 17 है, इसको कैसे किया गया देखें यार, अगर मैं कहूँ 1 4 17, 4 4 16 1 17, तो एक कैसे, एक का, हाँ एक ये भी तो हो सकता है, एक का स्क्वायर करें, एक का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 1 17, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9 4 13, ठीक है एकदम मिल गया। उसका 4 4 16 5 5 25, 6 5 11 31 होना चाहिए, नहीं यहाँ पर 1 का 1 5 5 25 1 26, ये तीनों एक ग्रुप बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, आप मिला लें इसको, 1 का स्क्वायर 1 5 5 का स्क्वायर 25 25 1 26 हो रहा है, 2 दोगुना 4, 2 का स्क्वायर 4 3 3 9 9 4 13 हो रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 37 कहता है कि 91 215 143 247, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 13 13 से कटेगा, 13 से 91, 13 से ये भी जाएगा, 13 से ये गया, इसका काम खत्म, 13 से कटे, 13 से कटाइए तो इसको, 13 से कटाइए इसको, तो 13 13 का 13 और 11 13 9 17 से कटेगा, 13 से ये भी, ये नहीं कटेगा, आंसर क्या हो गया मेरा, 215 हो गया आंसर, क्लियर। देख लीजिए सभी 13 से कट रहा है, ये तीनों 13 से ये नहीं कटेगा, आपको इतना जल्दी सोचना पड़ेगा, ठीक है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है 125
512, 1321, 1728। कुछ लगा क्या है यहाँ पर? देखिए तो 38 में क्या है कि 125, ये तो 5 का क्यूब है, ये कितना है? 6 6 36 8 2 7 8 8 8 64 8 32, 8 का क्यूब है ये। ठीक है, ये 2 2 4 2 8 12 का क्यूब है ये। किसी का क्यूब है? नहीं है। आंसर क्या हो गया मेरा? ओनली ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर इसका, 1321 हो जाएगा। ये किसी का क्यूब नहीं है। आपका क्यूब नंबर याद अगर रहेगा तो ऐसे मार सकते थे इसको आप। चलिए 39, 39 नंबर, 463। अच्छा जी, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1 कीजिए तो कितना होगा? 63। 1 का क्यूब -1 तो 0 होगा। 5 का क्यूब 125 में 1 घटाइए 124, ठीक है। 2 का क्यूब -1 करेंगे, 7 होना चाहिए, आंसर हो गया 4। क्लियर, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। DBW, GST, JPQ, MNK। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा जी? DW अपोजिट, GT अपोजिट, JQ अपोजिट, MN होना चाहिए, आंसर 4। बस एक नंबर चेक किया मैंने, हमने देख लिया कि अपोजिट नंबर है वहाँ पर। चलिए आगे, USB, CPU, DAD, RAM। देखिए ये सभी कंप्यूटर के वर्ड हैं। ये कंप्यूटर के वर्ड हैं क्या? DAD, डैड? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, 42, 41, 41 तो हो गया डैड, वहाँ बताए थे। 42 में देखिए FGH, ABC, CG, UVW, इसमें दिमाग लगाएं। चलिए इसमें दिमाग लगाएं तो क्या होगा? 42 में क्या होगा जी? देखिए कि यहां देखिए कि FGH कंटिन्यू, ABC कंटिन्यू, UVW कंटिन्यू है, CDE होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया, ये आंसर 3 हो जाएगा इसका। सभी कंटिन्यू आ रहा है, FGH, ABC, UVW, ये सब, ये आ रहा है कंटिन्यू? नहीं आ रहा है। चलिए 43 को देखते हैं। UST, QMO, LHJ, IEG क्या होगा इसका? 43 का सोचें थोड़ा क्या होगा। देखिए तो यहाँ देखिए U 21, देखिए 20 21, चलिए ऐसे पकड़ लेते हैं पहले, 20 21, 15 2 17, 10 2 12, 7 2 9। देखिए यहाँ 20 1 21, एक ही में डिफरेंस मिल गया हमको, ओनली वन शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? 43 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर 1 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें देखें तो 44 क्या है? 44 में क्या है जी? UAIOU है ना, तो इसमें से देखिए तो यहाँ क्या है। अच्छा चलिए, इसका गैप थोड़ा दूसरा सेटअप का भी आ रहा है, 21 ए, बहुत दूर दूर है, पहले छोटा गैप देखते हैं। 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 5 4 9, 19, सब में 4 का गैप है। 5 4 9 4 13, 13 4 17, 17 4 7 4 21, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, ठीक है। सबको पोजीशन याद है ना? देख लीजिए यहाँ सबके बीच, इस सब के बीच 4 4 का गैप है। अब देख लीजिए ठीक से, इनके बीच सबके बीच 4 का गैप है? नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, अलग यही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। CHSX 45 देखेंगे, 45 क्या कह रहा है देखिए। CX अपोजिट वर्ड, IR अपोजिट वर्ड, DW अपोजिट वर्ड, AZ अपोजिट वर्ड, सबका मिल रहा है जी। HS KP, JQ, FW, F का यून होता है अपोजिट वर्ड, आंसर क्या हो गया? डी शुड, ऑप्शन नंबर 4। देखिए सबका CX, HS, IR, KP,
डी डब्ल्यू जे क्यू ए जेड, देखिए अपोजिट का डिजाइन है, एफ डब्ल्यू अपोजिट है क्या, नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया क्या, एफ डब्ल्यू। 46, कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। अब इसमें देखें तो कौन सा अन्य तीन से भिन्न है जी, 46 देखिए, देखिए यहाँ 20 19 एक का अंतर माइनस में, 16 15 देखिए बड़ा इधर है, पहले बड़ा इधर छोटा इधर, देखिए 6 7 ये तो छोटे इधर हो गया बड़ा इधर, इधर देखिए 24 25 24 23 देखिए बड़ा, इस सब में बड़ा आगे है, इसमें सब में बड़ा आगे है, इसमें बड़ा सब पीछे है, आंसर ये हो गया क्लियर। सब में देखिए अंतर एक का ही है लेकिन आगे पीछे बड़ा रख दिया है, ठीक है। अब 47 देखेंगे, 47 में देखिए कि क्या है, देखिए कि 1 3 4 4 3 4 2 6 6 अलग अलग दे रहा है, चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा दूसरा चेक कर लेते हैं, 2 3 5 5 5 2 7 5 चार पाँच पाँच दस दस चार चौदह, अरे इसका निकलना पड़ जाएगा जी, देखिए ठीक से देखिए, एक तीन चार, ठीक है, चार दो चार चार आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह तेरह छ, छ तीन नौ, छ छ उन्नीस, नौ उन्नीस, उन्नीस और सात, पाँच तीन चार पाँच छः सात, एकदम क्रमवार निकल रहा है इसका, देखिए दो तीन पाँच, पाँच पाँच दस तीन पाँच, ये क्रमवार नहीं आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, दो देखिए देखिए चार, चार और सात है तीन, सात सात चार ग्यारह, चार छः ग्यारह पाँच सोलह है ना, उनके बाद देखिए तो छः पाँच ग्यारह, फिर पाँच का गैप, देखिए सीरीज टूट गया यहाँ, चैन टूटा यहाँ पर भी, तीन तीन छः, तीन 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 का गैप, यहाँ कितना का गैप, छः तीन नौ, कंटिन्यू समान गैप दे रहा है, यहाँ देखिए समान गैप दिया है ना, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ सीरीज में से ठीक गैप मिला हमको, तीन चार पाँच छः सात, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जल्दी बना सकते हैं। चलिए 48 देखते हैं, 48 में देखिए जी क्या है, 48 में देखिए कैसे बनाइए। अच्छा यहाँ देखिए कि एम एक्स एल एन, एम एक्स एल एन देखिए तो एम एन एम एन, ठीक है, एफ एच छः दो आठ, देखिए एम एन के बीच एक का अंतर, एफ एफ एच के बीच कितना का अंतर है, दो का अंतर, आर एस एक का अंतर, और डी ई एक का अंतर, आंसर क्या हो जाएगा तब। अच्छा यही देखिए तो यहाँ तो एक का एकदम कंटिन्यू वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए तो ये सब कंटिन्यू, आर एस डी ई ये कंटिन्यू है क्या, नहीं है, आंसर बी हो जाएगा आंसर। आप आगे पीछे भी देखिए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 49 देखें, 49 नंबर का देखिए, बी डी जी आई ई जी जे एम सी ई एच जे डी एफ आई एल, तो देखिए इसमें कौन सा अंतर हो, अलग कौन सा है, देखिए तो अलग देखें तो कौन सा है, देखिए दो दो चार, दो दो चार और चार तीन सात और सात दो नौ, दो तीन दो, ऐसे अंतर निकालना है आपको, देखिए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कुछ बन रहा है क्या, दो सात ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है दो, चलिए पहले देख लेते हैं, पाँच पाँच और यहाँ सात है, पाँच दो सात, यहाँ कितना गया, चार सात दो नौ, सात दो हाँ सात तीन दस, दो तीन, ठीक है, उसके बाद दस तीन तेरह, ठीक है, यहाँ पर तीन आ गया, दो तीन तीन आ गया यहाँ पर, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो कितना का गैप है जी, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, देखिए 2 3 2 दे दिया, ये भी 2 3 2 दिया, देखिए 4 2 6, 6 3 9 और 9 3 12, 9 3 12। अब यहाँ देखिए कि दो दो में से फंस जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखिए 2 3 3, यहाँ देखिए तो 7 2 9, ठीक तो है जी, 7 2 9, 7 2 9, BDGI, 2 + 2 +3, हालांकि लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ जी, JMIL, BDGI, BDGI, और यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ जे होना चाहिए तब 3 का मिलेगा गैप, ठीक है, यहाँ जे होगा तभी जो है कि मिल सकता है, अन्यथा ये होगा ही नहीं तब, समझे, नहीं तो होगा ही नहीं फिर, तो ये 3 3 3 का गैप मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये अलग तब हो जाएगा क्योंकि एक को आपको अलग लेना ही पड़ेगा। तो चलिए ये लिखने में थोड़ा गड़बड़, इस सवाल का पैटर्न गलत था ये, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जे होगा, आप सुधार कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी पैटर्न का अनुसरण करती है और अन्य से भिन्न है, माइज, MIGE, चलिए यहाँ देखिए तो 50 नंबर कैसे बनाएंगे, इसमें भी आप गैप देखिए, गैप देखिए तो क्या होगा, 9 4 13 है ना, 4 का गैप, यहाँ देखिए तो यहाँ कितना गैप, जी और यहाँ 9 9 4 13, 7 2 5 2 7, देखिए 5 2 7 7 2 9 9 4 13, 3 में 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, 15 2 17 17 3 20, यहाँ 3 का गैप आ गया पहले में ही, यहाँ देखिए है ना, यहाँ 3 का गैप आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे पकड़ लीजिए, 9 2 11, 11 11 3 14, यहाँ 3 का गैप आ गया बीच में, देखिए वाई में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, ए ए में 2, ए में 3 जोड़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा तब, देखिए यहाँ पर इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, जी 7 2 9, आंसर ए हो गया आपका, देखिए गैप निकाल लीजिएगा आपका हो जाएगा, टाइम कम होने के कारण हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिए मिला के इधर से बढ़ रहा है सब, 2 3, तब यहाँ पर फिर आता है कितना का, 2 का, कितना का गैप, 4 का गैप, 2 3 4, 2 3 4 का गैप आएगा, ठीक है, 2 3 4, क्लियर, तो चलिए तब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा चलिए 50, 2 3 4, 2 3 4, चलिए इसमें से देखिए AFEZ, ये तो इजी है जी, कैसे है जी, 1 5 1 5, 1 4 5 और 26, अब देखिए वोवेल से नहीं छाँट सकते, यहाँ भी वोवेल, यहाँ भी वोवेल, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ अभाज्य संख्या से छाँटिए, 5 एक अभाज्य संख्या है, आंसर हो जाएगा क्या, ई, ठीक है, चलिए 52 की तरफ बढ़ते हैं, 52 में क्या है देखिए, 52 में डिफरेंस से मारिए, देखिए इजी है एकदम, मार सकते हैं एकदम, बना लिए, देखिए यहाँ 16 4 20, 4 4 8, 22 4 26, 11 11 3 14 होता है, आंसर हो गया क्या, डी, इस सब के बीच 4 4 का गैप है, इसके बीच 3 का गैप है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, KRY, यहाँ भी गैप निकालिए आप, चलिए गैप निकालिए आराम से हो जाएगा, 11 7 18 11 18 8 7 15, 7 का गैप है, 4 7 11 11 7 18, 7 का गैप, 6 7 13 13 7 20, ठीक है, 12 12 8, ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया, यहाँ गैप नहीं मिल रहा है, आंसर हो गया क्या, डी हो गया, गैप देख लीजिए, गैप से मर बना सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ देखिए सबके बीच 7 7 का गैप है, लेकिन इनके बीच 7 का गैप
नहीं पाया गया, अलग पाया गया। चलिए 54 देखते हैं हम लोग। 54 में है, इसमें भी वही आपको गैप निकालिए, सीधा गैप निकाल के मार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस 18 इधर से चलिएगा, 10 4 14, 14 4 18, 4 4 का गैप है, 12 4 16, 16 4 20, ठीक है, 9 4 13, 23 23 23 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा, ठीक है, 24 में ये कैसे हो जाएगा जी, 24 24 में 4 जोड़ेंगे 24 हुआ, 24 25 26 पता है, 24 में 3 जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा, है ना, 24 में जब हम कितना जोड़ेंगे, अगर हम ई बी एक्स यहाँ पर इसी में से देख लीजिए आप, 2 3 5 हो रहा है, आंसर हो गया यहाँ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई आई एन 55 में देखते हैं कि इसमें भी गैप से ही निकाला गया है जी, ठीक है। 55 में देखते हैं, 5 4 9 9 5 14, 4 5 10, ये 4 5 का गैप आया, यहाँ देखिए तो 10 4 14, 14 5 19, ठीक, 4 5 का गैप, 13 4 17 17 7 5 12 22, 4 5 का गैप, यहाँ देखिए तो 15 4 19 19 9 5 14 24, एक्स होना चाहिए, गलत है ये, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, आप गैप से ही इसको बनाएंगे। चलिए 56 नंबर का सवाल नीचे दिया गया है, अब देखिए 56 नंबर का, तो ये पैटर्न दिया रहता है यहाँ, ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो करके बनाना, इस पैटर्न को हम लोग कैसे देखिए, किस कौन सा ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न जो है पर आधारित ये है, तो यहाँ देखिए कि पैटर्न क्या है कि 57, गैप कितना का है यहाँ, 7 4 11 4 11 4 65, ठीक है, 4 4 का गैप है यहाँ, यहाँ देखिए तो 4 4 4 4 का गैप यहाँ भी है, यहाँ देखिए तो 3 4 7 7 4 11, 4 4 का गैप इस, ये सभी में को 4 का, इसमें कुछ गलत होगा तब, 4 देखिए यहाँ 4 का गैप मिला, यहाँ दो का गैप मिल गया, आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, ठीक है, सब जगह 4 का गैप मिलना चाहिए था हमको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए 57 नंबर, कितना बड़ा लिखा है सवाल, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, बनाइए तो कैसे बनाते हैं, 12 8 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ कितना गया, 8 4 12 24 4 28 62 4 66, है ना, 76 4 कितना होता है, 6 4 10 9 80 9 या 84 दिया हुआ, आंसर हो गया 84 डी, क्लियर, 4 का गैप था सब में, यहाँ भी देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, कैसे बनेगा ये देखें, तो यहाँ गैप बहुत ज़्यादा, गैप से ही नहीं पकड़ेंगे इसको, देखिए कैसे पकड़ते हम लोग, 12 12 36 12 36 36 में एक घटाएंगे 35 हो गया, 12 5 60 में घटाएंगे 59 हो गया, एक एक चलिए इसी प्रकार से 12 जो है इसी का हम 3 गुना 5 गुना किए हैं, तो 16 का करते हैं, लगभग क्लोज पर जाना है, 16 3 48 48 में एक कम कीजिए, आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 16 5 80 80 में एक कम कीजिए 79 हो जाएगा, ये पैटर्न ठीक उसी प्रकार आधारित है, तीसरा भी उसी पर, 59 57 कम कहाँ किया जी, इसमें नहीं किया है, यहाँ कम किया है ना एक, यहाँ नहीं किया है कम, देखिए तो 9 3 27 27 में एक कम किया, 9 5 45 45 में एक कम किया, ठीक है, लेकिन यही कम नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए 59 देखते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन है, 59 नंबर में 1722, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, SSC JEE 2018 में पूछा गया सवाल है, बोले क्या होगा इसमें, बन गया जी, देखिए यहाँ 17 5 22 19 5 24 47 7 5 12 52
नौ पाँच चौदह, 34 होना चाहिए यहाँ पर। आंसर ये कितना है देखिए, यहाँ पाँच पाँच का गैप है, देखिए पाँच का गैप, पाँच का गैप, पाँच का गैप, यहाँ पाँच का गैप कहाँ है? आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस राउंड का अंतिम सवाल है ये, अंतिम सवाल आप लोग बना दीजिए। चलिए बनाइए अंतिम सवाल आप। देखिए यहाँ कुछ मिल रहा है ना क्लोज, 2588, 88 में एक जोड़े क्या हो गया 89, 22 दुगुना 44, 44 में एक जोड़ दिए 45। अरे समझे पैटर्न कैसे मिल रहा है देखिए, है ना। अब 15 चौके 60, 60 में एक जोड़े 61 हो गया, 15 तिया, अच्छा 22 तिया 44 हुआ था ना, यहाँ पर 15 तिया 45 में एक जोड़ना था। चलिए ये थोड़ा होल्ड करते हैं इसको, 12 12 12 तिया 36, 12 कौन सा पैटर्न मिल रहा है जी? देखिए नहीं हुआ ये, देखिए दूसरा पकड़िए पैटर्न कैसे होगा। ये देखिए 12 तिया 36, ये तो पैटर्न ही नहीं मिला। 13 चौके 52, 13 यानी पैटर्न यही है, इसमें से क्या है कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये सभी कोई फॉलो नहीं, यही फॉलो एक पैटर्न सही से कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा तब इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो आज यही आपका 60 नंबर का सीरीज था, है ना। कुछ गलत हुआ क्या जी? अब ध्यान दें तो ठीक से देखें तो कैसे होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। 13 दुगुना 26 देखिए तो 22 दुगुना, यहाँ तो है 22 दुगुना 22 चौके 88, 88 में एक जोड़े 89 हो गया, 22 दुगुना 44, 44 में एक जोड़े 45, ये भी तो मिल रहा है, 13 चौके 52, 13 चौके 52, गजब की बात है भाई। ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्सी में चले गया जी, देखो यहाँ पर 13 दुगुना 26 127 हो रहा है, 22 चौके 88 गुण इतना हो रहा है 13 चौके 52, अच्छा 15 तिया 15 चौके 60 61, 12 तिया 36। तो ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्सी में सवाल जो देखना पड़ेगा, ये सवाल कुछ गलत टाइप का लग रहा है, ठीक है, ये सवाल कुछ कंट्रोवर्सी जैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये सवाल रह रहे हैं कंट्रोवर्सी में, कुछ ऑप्शन इसका कुछ मिसमैच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक, वीडियो लंबी हो जाएगी, थैंक यू। ये सवाल थोड़ा लास्ट वाला सवाल में कुछ गड़बड़ी ऐसा लगा हमको, ठीक है। चलिए थैंक यू, इसको देखें आप लोग बार बार देखें और कोशिश करें कि सभी सवाल को मन से करने का। थैंक यू।